वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। बॉलीवुड सिंगर के निधन की सूचना से हर कोई स्तब्ध है। बॉलीवुड के इस उभरते सितारे की मौत कोलकाता में लाइव कंसर्ट के बाद हो गई थी, वह भी उस वक्त जब उन्होंने कुछ ही देर पहले हम रहें या ना रहें कल याद आएंगे ये पल गाने पर परफॉर्म किया था। केके की मौत पर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें देखा जा सकता है। बद इंतजामी के बीच केके परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें बहुत पसीना आ रहा था और वह बार बार पसीना पोंछ भी रहे थे। यह परफॉर्मेंस खुले ऑडिटोरियम में न होकर बंद में थी। एसी ने चलने की शिकायत एक दिन पहले ही इस गायक ने की थी, लेकिन आयोजकों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। गंभीर बात यह भी रही कि भीषण गर्मी में बंद ऑडिटोरियम में क्षमता से अधिक भीड़ जुटने से तापमान और सफोकेशन और बढ़ गया था। ऐसे हालात में केके करीब करीब गिड़गिड़ा रहे थे कि एसी ऑन कर दो और कुछ लाइट्स ऑफ कर दो। वे कह रहे थे कि गर्मी से जान निकल रही है। लोगों ने ऑडिटोरियम के गेट तोड़ दिए थे, वे बिना पास के घुसाए थे। ये वह नज़ारा और हालात थे जो एक सिंगर की मौत का सबब बन गए। 53 वर्षीय केके ने हिंदी समेत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली जैसी कई भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्हें फिल्म काइट्स में जिंदगी दो पल की, ओम शांति ओम फिल्म में आंखों में तेरी, फिल्म बचना है हसीनों में खुदा जाने, फिल्म हम में तड़प तड़प जैसे गानों से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फर्स्ट बाइट टीवी की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।